पाके अपन निबेरा लाड लिया पाक और नसे हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैंने आज सुबह से व्लॉग नहीं किया है, मतलब मैंने स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किए, फिर मैं ऊपर नीचे घूमती रही, कुछ कुछ काम करती रही। आज मेरा कुछ एक ब्रांड का एक काम था तो फिर मैं वो पूरा करती रही और अब मैं फ्री हो गई हूँ। सो मैं सोचा कि आज शादी में जाना है शाम को फंक्शन में, तो मुझे था कि सारा शाम को ही दिखाऊंगी, बट मैंने अब कर दिया है। अब मैं बढ़िया से, मेरे हेयर अच्छे से सूख गए, शाम को जाने के लिए शादी में मैं हूँ रेडी और अभी बस ये आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आ रही हूँ पराठे, आज 3 बज गए, मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं, तो मुझे ऐसा है कि तब वो आए तो मैं बढ़िया स्पेशल दूँ। मैंने सब कुछ सैलड वैलड काट दिया है, 3 बज गया, छत पर तो जाएंगे नहीं। और मैंने ये वाले पराठे बनाए हैं स्टफिंग डाल के, मतलब अंदर तब मैंने आटा अभी गूंदा फ्रेश, तो मैंने उसके साथ ही आलू और ये सब कुछ डाल दिए थे बॉईल करके। मुझे ऐसा है कि आएंगे तो यू नो टेस्टी खाना बढ़िया लगेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख है, मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाती तब तक ये नहीं आते और ये भी इन्होंने भी नहीं खाया। और सेकंड चीज़ ये है कि खाना बनाने मुझे आलकस नहीं आता, मतलब खाना बनाने में मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है, किसी भी टाइम कभी भी कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने में, खाना खाने में भी और बनाने में भी, दोनों मेरी चीज़ मेरी फेवरेट है। और एक टाइम मैं कुकिंग कोर्स भी करना चाहती थी बट अब मुझे सब आ गया वीडियो देख देख के, बस अब पराठे बना दो तब तक आएंगे। आज बनाई थी आलू मटर, वो गरम करनी है, चटनी वटनी सब रेडी है, ये मैं बनाऊंगी अनियन चटनी वाली चटनी डाल दूंगी अनियन के अंदर। और सब कुछ लस्सी बना दी है मसालेदार, क्योंकि उस दिन उन्होंने कहा था मुझे कि बहुत अच्छी थी मसाले वाली बनाया कर, तो मैंने 4 चीज़ें डालती हूँ मैं इसमें, 4-5 चीज़ें मैं दिखा चुकी हूँ आई थिंक पुराने वाले व्लॉग में, तो आप लोग भी ट्राई करना। तो चलो वो आएंगे तब मिलवाती हूँ, तब तक मैं पराठे बना दूँ। 4 बज गए हैं, वेट करते करते आज तो पागल हो गई, कुछ काम के लिए गए मेरे हस्बैंड और मुझे इतनी भूख लगी आप सोच सकते हो कितनी भूख, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं सब कुछ बना बना के रेडी वेडी करके बैठी हूँ, पर सब्जी गर्म कर देती हूँ, आने वाले होंगे फोन करती हूँ। आ गए, कितनी लेट, पूरे 4 बजे। अच्छा आपको पता है कि मैंने क्या बनाया है? राम जी बना रखे हैं। किस चीज के? क्या देखने से क्या कौन बताता है, चीटिंग है ये तो। देखो कौन से वाले बनाए, आलू के, आलू से आटा गूंथते टाइम। हाँ तो बहुत भूख लग रही है, आ जाओ चलो। फिर हमने खाना खाया और तब से हम देख रहे हैं मनी हिस्ट और टाइम हो गया है 6:45 और मैं होने लग रही हूँ अब रेडी। अब हम रेडी होंगे जाएंगे शादी में, तो आउटफिट में हूँ बहुत सारे कन्फ्यूजन, मेरे पास 3-4 आउटफिट है जो मेरा मन है, अब मैं जो पहनूंगी मैं वो दिखाऊंगी सीधा कि मैंने क्या पहना है। तो चलिए चलते हैं शादी में। मम्मी रेडी और सी अभी रेडी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये भी और मैं भी, तो मैंने पहना ये वाला अपना आउटफिट, इसमें ये क्या है, ये अटैच है इसके साथ ये दुपट्टा और ये डिफरेंट कलर का एडी का, एडी की ज्वेलरी, बाल स्ट्रेट, बस चलते हैं अब सीधा शादी में। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ ये सही है ये वाला शॉल, बस मैं थोड़ी देर के लिए लूंगी फिर मतलब अभी घर से जाती हूँ, मम्मी ले लेगी तो ये बिना शॉल के दिखा दूंगी आपको। इसमें नीचे ऐसे फ्लर सी और ये अटैच ऐसे देखो पीछे यहाँ से, सो बहुत बढ़िया है एकदम, यू नो ज़्यादा तड़क मड़क भी नहीं है और हल्की भी है, तो बेसिकली इनकी फ्रेंड का लगन है, इनके अच्छे दोस्त है वो उसका, और जो लड़की है वो भी इनको जानती है और लड़का भी इनको जानता है, क्योंकि जो लड़की है वो स्पेशल एजुकेशन में ही है, तो मतलब सब मिल चुके हैं एक दूसरे से और ऑफकोर्स मुझे भी, तो सबके ही फ्रेंड हो गए हैं अब तो तो चलते हैं सीधा शादी। ओके चलो, आज तो बहुत दिनों बाद शादी में जाओगे इतने दिनों बाद शादी में जाके क्या खाएगी सिया, इतने दिनों बाद भाई जो मिलेगा वही खा लेंगे नहीं स्पेशल होता है ना, एक स्पेशल होता है ना, तो मैं बहुत कुछ खाऊंगी, मतलब गोलगप्पे तो सबसे पहले मैं गोलगप्पे खाऊंगी जाते ही, अंबे सबसे अच्छे अंबे लोग हैं, अंबे आपके लिए आदत हो गया अंबे बोलने की,
और ये हम पहुंच गए। सबसे अच्छी बात ये है कि गाने चल रहे हैं। वाह भाई वाह, मुझे पूरा वॉइस ओवर करना पड़ेगा। पार्किंग फुल भावी पार्किंग। बहुत दूर है जी ये? अरे कितनी दूर है? मैं आप शो लेके जाओगे क्या? ठीक, लो जी आपका फोन ले लो बेटा, ले लो। हम पांच आए हैं ऑन ड्यूटी। यार ये सुंदर है बट अच्छी क्या बना कुछ ना बने बस अब लास्ट है, अब हम जा रहे हैं। मतलब हम नहीं जाते, हमने तो खा लिया था और ये अब खाने आए हैं। बीच में से अगर कटिंग नहीं होता ना साइड की कटना है। पैक हो रहे हैं डीजे। एक कार्टून आ रही है, एक पैर का चार डालता चारों तरफ का, तो वो सूट का क्या पड़ा है। मम्मी उसे फैशन बोलते है बेटा, आज भी अभी क्या फैशन हुआ है, चार डाल चार पीछे तभी कट रहा है, गे तभी साइड आ मत तो चल चाक हो जा है चारों साइड तो वो बहुत ही बेस्वाद है और इतना अच्छा उस पर वर्क हो रहा है। कम से कम वो सूट पाँच छह हजार रूपए का जरूर पाओगा। अक्षय पूछा था आंटी से, या जो लेडीज पहन दी सूट ने के पैर क्या करें उस बबू ना बबू मान नहीं, वो कौन सा सरदार था जिसने तुड़ 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 गाना गा रखा है, कौन सा था वो? कौन सा? एक ये तो ऑप्शन में नहीं था, आपने तो अनदर्स में, आप तो अनदर्स में पहुंच गए। बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी, बहुत जबरदस्त। मतलब मैंने दिखाया नहीं, इतने सारे लड़के देखो आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ये सब उन लड़कों को बाहर छोड़ के और फिर वापस आए हैं। बिजे बिजे फलट दिया देखो ये टेबल। दिलेर मेहंदी ने बोला आंटी जो दिलेर मेहंदी जो पैरा कर इस तरह के लते पैर है इसका नहीं दिल लता का नाम के अम्मा का भाई मन्ना नहीं दे रहा इन्हें के क्या करा। लो कोल्ड ड्रिंक पी लो, मुदल का भी है। क्या खाओगे बताओ? जब पहली पूछी वाउटी क्यों बैठाओ सान जावेगी जा। ये वाटी का आया। अच्छा तेरी थी मम्मी, दिखाया देखो उसकी। हाँ, देख ले, तब से कहाँ थे आप? अब हाथ पकड़ के घूम रहे थे, टेंट खाली हो गया है। भाई बहुत भयंकर लड़ी हुई थी, बहुत भयंकर। ये देख लो कितने खड़े हैं यहाँ, वाटिका वाले आ गए, डीजे वाले को मार रहे हैं। फिर डीजे तभी कितने पैक होने लग गया उसी टाइम। किस पे गुस्सा हो रहे हो मम्मी? तेरा बाबू पे। अरे नहीं अच्छा नहीं लगता फिर। अब क्या चेक करता हूँ, कुछ है ही ना। सब पैक कर दिया कि जाओ जाओ निकलो। अरे नहीं जल्दी हम लेट आए भर लिया अभी भी लग रहे हैं कुछ तो बचा हो। मान जाओ मान जाओ, कल के लिए थोड़ी बचेगा, बचा लो पेट में। हम काफी लेट है, हम काफी लेट आए असल में आज।
बहुत जल्दी फंक्शन खत्म कर रहे हैं मम्मी ये लोग। चा से पापा हाँ जी बहुत जल्दी खत्म कर दिया इन लोगों ने। लग रहा है कि वो कुआ पूजन का फंक्शन में 11 12 तक चल गुस्सा हो गया मेरा। मेरे पीछे क्यों खड़े हो? आगे बताओ ना क्या देखे। तो दिखाऊ मैं मजा आया सिया। हाँ, एक प्लेट तो छोड़ दी। गोलगप्पे खाए लेकिन पानी में कितने स्वाद नहीं। शादी वाले गोलगप्पे इतने टेस्टी नहीं होते। बिल्कुल बस रायता तब मैं आपको बोल रही थी आप खाना खा लो। गरम गुलाब जामुन उसमें है ना आइसक्रीम डाल दो। सब कुछ उठ लिया हमारा उठना बाकी है। खा लो ना मैं तो नहीं जा रही तब तक मेरे 15-20 मिनट का व्लॉग नहीं बने। फोटो भी एक बिना बनी मेरी रील एक भी फोटो ना खींचा बताओ। मैं इतनी पब्लिक थी इतने लड़के थे इतनी पब्लिक थी बैठी बैठी जमाई। हाँ देख ले लेकिन इतने लड़कों में ना बन सकते हैं इतनी पब्लिक में। मेरी इतनी जान पहचान की पाऊंगी इतनी फ्रेंड पाऊंगी कल तू देखिए फिर उसमें मेरा क्या फायदा है। आपकी फ्रेंड मिलेगी तो मेरा फ्रेंड तो मान दे होना मेरा क्या फायदा उसमें। दोबारा शा फंक्शन नहीं करा था हमने है ना फंक्शन में बुलाए हुए अपन नहीं बेरा लाड लिया पग और नसे ढीले हो जाए। ऐसी ठंड है ऐसी ठंड है जिसकी कोई मतलब उम्मीद नहीं कर सकता। मैं नहीं इसलिए लेके आई थी मुझे पता था कि मर नहीं मरना है मुझे। ऐसे पैर ठहर गए मेरे जैसे कोई बर्फ की दो सिल्लियों में रख देता पैर बर्फ की पैर ठहर गए। हाँ और हाथ का पीछा आग का तो मसल लेते हैं ना पीछे वाले हाथ खत्म है बिल्कुल। मैं नीचे लेगी मतलब गर्म तभी पहन के आई थी मैं ये पीछे बोलते ये मेहंदी आगे पीछे लगा देना नहीं वो था तब मैं आई ना मैंने गर्म लेगी पहन रखी है तो मुझे पता था कि होगा भाई होगा वरना तो मेरे पैरों के अंदर से ऐसी 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 बस सोच सकते कैसे किस लेवल की। और को कह दी मम्मी और मम्मी तो हमने बढ़िया स्वेटर वेटर पहन के आएगी। मम्मी को तुम्हारे कहा था भाई आप पहन लो गर्म में एक जना ही बीमार होगा एक साथ दो हो नहीं सकते। वही बंदी मतलब अब ऐसा है कि जाओ हीटर आके बैठ जाओ गर्म गर्म उसमें बैठ जाओ कोई आग बाल दे सेक लो। छोड़ो रे पापा पापा सुन रही है पापा बात कर रहे ऐसी बात नहीं है कि नहीं सुन रही पापा बह रहा है नहीं पापा ने सुना अब शाम शाम देखना सियाल है सिया, खा लिया पी लिया बेटे चलो आगे आगे आए साथ साथ ही जाएंगे हम आगे पीछे पूरे रोड की माल्या खो लिया इतना खा लिया है मुझे इतना खा लिया मैंने सही था। ओवरऑल बहुत दिनों बाद मैंने फंक्शन अटेंड किया लेकिन मुझे वैसे तो मजा आया खाने पीने में हर में बट रील वील नहीं बनी तो मुझे इतना ऐसा होता है कंटेंट की कमी हो गई वेट। इतनी ठंड नेक्स्ट लेवल ठंड हो रही है बिल्कुल इतना खा लेते फिर चला बैठे नहीं जाता गाड़ी में बारी में देखा गाड़ी नीचे नीचे फील नहीं हो रही आपको है जी गाड़ी नीचे फील नहीं हो रही कैसे हो क्यों हो रही है बताओ हमारे वेट गला खा लिया ना तो वेट तो हो रही है नीचे अब गाड़ी। हाँ और मम्मी की तरफ तो ज्यादा हो रही है। हाँ मुझे भी 3-4 दिन ऐसे ही मौसम हिमांशु बढ़िया खा पीगा ना एक दो पाओगे गाड़ी के शीशे में देख रहे हो आप कितनी अंदर ये देखो ये अंदर से चला दो फैन वो चला दो हीटर
गरम, मेरे पैर कभी खत्म हो गए। ये भाई गए होंगे पीछे की देर टूट गए होंगे पीछे ना कत्ते भी ना नहीं लापसी यार वो था पीछे राठी सीआईओ अच्छा प्रिंसिपल सही है, अब प्रिंसिपल है फिलहाल अभी है। अच्छा गीता मौसी है ना जिस स्कूल में थी पहले, हाँ हाँ उसमें थे, ये सुबह की शिफ्ट में बहुत पुराना दोस्त है बड़ा। अच्छा पापा 2005 से लेके पाँच से भी क्या उससे ही पहले, और ये नौकरी भी इसी वजह से। ओ भाई साहब दिना तली के लोटा होगा ये नया है, मम्मी ने बना बनाया। मम्मी यो आपका बनाया ना पर्सनल, खाली के चट्टे बट्टे एक अंगूठी लंबा हो जाता है इसलिए, लंबा हो जाता है इसलिए। ये नहीं हमारी शादी की वाटिका, सुलह कर दो ना फिर। कल तो इसमें आना है, मुझे नहीं आना, पापा आएंगे यहाँ पे। तो मैं अंगूठी ना, मैं मार रही हूँ। मम्मी गए थे, हम गए ना कि मैं इसमें आई हूँ, मैं इसमें। मम्मी को ये याद नहीं, बोली कुछ तो करने आई हूँ कुछ तो, पर ये याद नहीं आ रही क्या करने आई हूँ। मैं यूँ कह रही मम्मी, यूँ नहीं पता। मम्मी ने एक साल पहले बारात लेकर आई मम्मी इसमें, छोड़ देंगे हम, चाहे उनकी बारात आई हो चाहे ना आई हो, आप इतना जी मिले हो ठीक है। अब रात जब आए जब ना भाई मेरे ड्राइवर सीखने में 10 लाख का नुकसान है, पूछ सकता हूँ अगले बार पूछ सकता हूँ। हाँ क्यों पापा नहीं कार लेगा नहीं ऑटोमेटिक लाना बस आपको ऑटोमेटिक थोड़ी है छोटी हल्की सी होती है, बिल्कुल छोटी सी खूब सारी मजाक मस्ती और वार्तालाप करने के बाद हम पहुंच गए घर। तो अब सी आ जाएगी अपने घर, फिर हम अपने घर। एक ना परसों कमेंट था कि इनकी दादी इनके मौसी घर रहती है, वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। तब मैं अपनी मौसी घर से आई तो मैं दादी से मिलने गई थी, तो चाचा का घर है ये वाला, ये वाला जहाँ से अभी अंदर जा रहे हैं ब्लैक गेट और उस तरफ। तो दादी यहाँ रहती है, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है, तो दादी अभी यहाँ रहती है बच्चों के साथ। दादी मौसी की क्यों रहेगी भाई। चलो अब हम जाएंगे घर पे। ओके गाइस, तो अब हम आ गए थे घर, आपने देखा रास्ते में खूब सारी बातें करी, कुछ मैंने ब्लॉग दिखाया फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जब सच होते तब हम कहीं शादी से आए ना और तब हम घर जाए और फिर डिस्कशन चले क्या क्या था, कितना क्या अच्छा था, है ना।
ये खाना अच्छा था, वो अच्छे थे, वो क्या पहने थे, वो क्या पहने थे, तो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इसलिए रास्ते में पापा और हम सब ऐसे बात करते रहे करते रहे। और फिर हम घर आ गए थोड़ी देर दादी से मिल के, और फिर सीधा हम घर आ गए। तो मेरा तो ऐसा मन था मैं बहुत कुछ दिखाऊं, लेकिन फिर सोचा जा रही जब मैं गई कि मैं दिखाने के लिए ना कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग डांस कर रहे थे, मैं जानती नहीं थी, सब अनजान थे हमारे लिए। और खाने जाते हम तीनों, मम्मी मैं और मेरी ननद जिया, सिया नाम है उसका, एक का सिया एक का जिया, और रियल नेम क्या है इसका, प्रियांशी और हयात, हयात और ये सिया जिया घर के हैं। हयात नहीं, हेजल, हेजल। मुझे उसका ना नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा जिया ही बोलती हूँ छोटी वाली का, वो तो बहुत छोटी है, आप लोगों ने देखी तब आती होगी मेरे घर पे, तो वो नहीं गई शादी में, ये बड़ी वाली गई थी मेरी ननद। तो क्या सही है, कल भी शादी में जाना है। तो अब ऐसा है कि मैं आज मेरी रील मम्मी ने आते एक बनाई, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं बनी, और मैं शॉल भी ले रखी थी, तो मैं मन नहीं है वो डालने का, मैं कल बनाऊंगी। और कल हम सब अलग अलग जगह जाएंगे, मतलब पापा पांचों के नहीं पापा अलग ये जाएंगे, जहाँ आज हम गए थे उनके लगन है, कल उनकी उसकी शादी है, तो शादी की बारात में, और मतलब हम रहेंगे तो नियर बाय सारे, मतलब 2-2 किलोमीटर की दूरी पे ही है ना जी, या 2 से भी कम है, तुम दूर हो, हम दूर है, और मम्मी मैं हिमांशु अलग और पापा अलग, सारे हम अलग अलग जाएंगे कल, क्योंकि कल ज्यादा नोते हैं और फिर अटेंड करने सब ज्यादा जरूरी है इसीलिए। और मैं क्या बोलूं, बस इतना खा लिया, बस अब ऐसा लग रहा है बस घुस जाओ रिजाई में और सो जाओ, क्योंकि मैं कुछ नहीं पहन की थी, बर्फ जम गई, कुल्फी जम गई मेरे तो हाथ पैरों की, अब मेरे सॉक्स वॉक्स पहने ना, मुझे ठीक लग रहा है। आने के आधे घंटे बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा तो ऐसा था सीधे, मैं अपने मेकअप उतारा, फेस वॉश किया और बैठ गई रिजाई में अपने, और जो स्वेटर निकाल, स्वेटर में ही लेटे हुए हैं इन्हें, तो मैंने चेंज तो कर लिया। चलो आपने आ किया ना, मेरा भी आ गया। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय, गुड नाइट, सिया सिया गाइस, सिया, ओके जिया मुकाबले नहीं।